देर से ही सही, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में गठबंधन के लिए अच्छी खबर भी सामने आई है। प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी VBA इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए राजी हो गया है। उद्धव शिवसेना से संजय राउत ने ऐलान किया है कि प्रकाश आंबेडकर की पार्टी महाराष्ट्र में महाअघाड़ी और इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगी। सीट शेयरिंग फार्मूला में प्रकाश आंबेडकर के लिए अकोला लोकसभा सीट छोड़ी जाएगी, ये बात अभी कही गई है। हालांकि सुनने में ये भी आ रहा था कि वो 12 सीटों की मांग कर रहे थे। प्रकाश आंबेडकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ कई बैठकों के बाद अकोला फाइनल हुआ है। इस तरह से महाराष्ट्र की 48 सीटों की सीट शेयरिंग उद्धव शिवसेना NCP कांग्रेस और VBA के बीच गठबंधन में तय होगी। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का झमेला इस हफ्ते तक फाइनल हो जाएगा। दिल्ली में NCP शिवसेना के नेताओं की कांग्रेस के अलायंस समिति से बैठक के बाद पवार उद्धव ठाकरे की मुलाकात 14 और 15 जनवरी को हो सकती है। प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी की गठबंधन में एंट्री उद्धव शिवसेना के जरिए हो रही है। जनवरी से उद्धव शिवसेना और प्रकाश आंबेडकर साथ काम कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में प्रकाश आंबेडकर अकेले लड़े थे, जीत तो नहीं पाए, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने कांग्रेस के वोट बैंक को डैमेज किया था। प्रकाश आंबेडकर बीजेपी के भी करीब नहीं हुए। मराठा आरक्षण जैसे मुद्दों ने उनको बीजेपी से दूर रखा, पर कांग्रेस से इसलिए नहीं पटी थी क्योंकि कांग्रेस ने उनकी मांग के मुताबिक 12 सीटें नहीं छोड़ी। NCP भी उनको रास नहीं आई क्योंकि उससे नेता के भीमा कोरेगांव हिंसा का समर्थन किया था उनके नेता ने। हालांकि अक्टूबर में उनके शरद पवार से काफी हद तक मीटिंग के बाद से ये पक्का हो गया था कि उनके इंडिया गठबंधन में एंट्री हो जाएगी। 20 साल से संसद से दूर प्रकाश आंबेडकर के अब सारे गिले शिकवे दूर हैं। अब शरद पवार भी मंजूर हैं और कांग्रेस भी और उद्धव ठाकरे भी तैयार है। 69 साल के प्रकाश आंबेडकर का बड़ा परिचय ये है कि वो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते हैं। दलित वोटों की राजनीति करते हैं, सिंगल मैन आर्मी हैं, अपनी पार्टी चलाते हैं और समय और जरूरत के हिसाब से गठबंधन बदलते रहते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी कम से कम 3 बार बदला। आज जिस पार्टी का नाम वंचित बहुजन अघाड़ी है, वह कभी भारीपा बहुजन महासंघ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी कहलाती थी। वंचित बहुजन अघाड़ी 2019 से अस्तित्व में है। महाराष्ट्र में बाला साहब आंबेडकर भी कहे जाते हैं। प्रकाश आंबेडकर 2 बार अकोला लोकसभा चुनाव से जीते, पहली बार 1998 में, दूसरी बार 1999 में। 1990 से 1996 तक 6 साल राज्यसभा के सांसद रहे। पिछले 20 साल से वो संसद नहीं पहुंच पाए। प्रकाश आंबेडकर राजनीति में कुछ बड़ा करने की कोशिश बहुत अरसे से कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। उन्होंने जाति वाली राजनीति में कभी परहेज नहीं किया। 2019 में उन्होंने उम्मीदवारों की लिस्ट निकाली तो जाति धर्म भी लिख दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक तस्वीर बड़ी चर्चित हुई थी जब प्रकाश आंबेडकर को असदुद्दीन ओवैसी रैली में गोद में उठा लिया था। तब उनका असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन हुआ करता था। गठबंधन का फायदा AIMIM को मिला और औरंगाबाद की सीट जीत ली, लेकिन आंबेडकर 47 सीट लड़कर भी खाली हाथ रह गए। हालांकि 7% से ज्यादा वोट लेकर और 41 सीटों पर तीसरे नंबर पर आकर उन्होंने सनसनी मचा दी थी। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उन्होंने अति महत्वाकांक्षी होते हुए 288 में से 234 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सारी के सारी सीटें हार गए, लेकिन करीब 5% वोट ले आए थे। प्रकाश आंबेडकर की यही कमाई उन्हें प्रशंसक बनाती है और उनकी प्रशंसा के लिए उनकी तारीफ भी की जाती है। VBA उन जातियों की राजनीति कहती है जो पीड़ित और हाशिए पर माने जाते हैं। पार्टी के ज्यादातर नेता या तो दलित या मुस्लिम हैं। इन समुदायों के 25% आबादी मानी जाती है।
1 जनवरी 2018 को पुणे के पास भीमा कोरेगांव हिंसा की 200वीं जयंती मनाने के लिए इकट्ठा दलितों पर हमला हुआ था। उसके खिलाफ प्रकाश आंबेडकर ने लीड ली और महाराष्ट्र तक बंद कर दिया। बंद सफल माना गया और प्रकाश आंबेडकर दलित नेता बनकर उभरे। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बहुजन वंचित बहुजन अघाड़ी रखा। अब एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में आने को लेकर प्रकाश आंबेडकर चर्चा में हैं, तो देखने वाली बात यह होगी कि इस बार प्रकाश आंबेडकर इंडिया गठबंधन में क्या कुछ कमाल महाराष्ट्र में कर पाते हैं। अब देखते रहिए।